अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड खान पॉइंट पे खुश आमदीद दोस्तों। आज हमारे पास एक रिसीवर जहर पेरिंग पे ये GX6605 ओरिजिनल 5815M वाला ये बोर्ड है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको इन्फॉर्मेशन भी दूंगा और उसके बाद इंशाल्लाह हिदायत भी दूंगा कि आप जो मिस्त्री हजरात होते हैं नए नए, उनसे यही रिक्वेस्ट भी करूंगा कि इस तरह का बराए मेहरबानी काम ना किया करें जो किसी और को परेशानी दे। तो अभी दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि हमारा ये जो रिसीवर है ये रेड लाइट पर है। तो किस वजह से ये रेड लाइट पर आया और किस वजह से इसका नुकसान हुआ, ये सब कुछ कंप्लीट मैं इंशाल्लाह आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले बात की जाए दोस्तों, अभी मैंने इसको ऑफ करके रखा हुआ है ताकि ज़्यादा नुकसान ना हो जाए, यहाँ पर कोई लाइट वगैरह कुछ भी नहीं। तो इसके बाद पहले ये हिदायत दूंगा मेरे भाई जो नए मिस्त्री हजरात होते हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि बराए मेहरबानी इस तरह का काम ना किया करें। ये अभी मेरे पास रिसीवर जाया है रिपेयरिंग के लिए, तो मैंने जब इसके कंप्लीट वोल्टेज टेस्ट किए, फॉल्ट इसका कहां पर बनता है और इसका नुकसान कहां पर हो गया, तो दोस्तों चलिए मैं आपको साबित करके दिखाता हूं कि हमारा जो अभी नुकसान किसी भाई ने किया है मिस्त्री हजरात ने, ये गौर से देख लें। यहां पर चिप आईसी मैं आपको नज़दीक करके दिखा रहा हूं, तो आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा। अगर यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा, ये साइड पर देख ले, मैं इसकी डबल पिक्चर जो है जूम के ज़रिए चेक करवा रहा हूँ। ये देख लें दोस्तों, किसी मिस्त्री भाई ने यहाँ पर जो है काविये की मदद से तमाम पॉइंटों को जो है रीसोल्ड कर दिया। ये बजाय हीट देने के उनसे जो है ये इसके तमाम पॉइंट जो हैं आपस में ज्वाइंट हो चुके हैं, जिसकी वजह से अभी ये बहुत नुकसान है दोस्तों, क्योंकि ये ऑन नहीं होगा। और उसके बाद हमारा रेड लाइट वाला प्रॉब्लम कहाँ था वो भी इंशाल्लाह मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं इसको पावर ऑन करता हूँ और इसके बाद ये चेक करवा दूँ, आप खुद देख लें कि ये अभी रेड लाइट पर है। ठीक है दोस्तों, तो मज़ीद थोड़ी सी वेट करके खुद चेक कर लें। और उसके बाद हमारा प्रॉब्लम कहाँ पर था ये मैं आप दोस्तों को बताता हूँ कि यहाँ पर 09S वाला जो ट्रांसिस्टर है ये अभी शॉर्ट है, जिसकी वजह से ये रेड लाइट पर था। और मिस्त्री हजरात ने ये कमाल कर दिखाया कि पूरे जो इसके मेन आईसी की चिप वाले कनेक्शन हैं उनको रीसोल्ड कर दिया और आपस में ज्वाइंट कर दिया। तो दोस्तों अभी ये देख लें, मैं आपके सामने मीटर रख रहा हूँ और हमारा प्रॉब्लम जहाँ पर है मैं आपको कन्फर्म करके चेक करवा देता हूँ कि अभी ये मैं एक ग्राउंड पे लगाने लगा हूँ। और ये 09S वाला जो जहाँ पर हमारे 3.3 आते हैं वहाँ पर आप खुद चेक कर लें कि यहाँ पर हमारे वोल्टेज जो हैं ये क्लियर हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद रहा ये ऊपर वाला जो मैं बताता हूँ पॉइंट, इससे भी कन्वर्ट होकर आईसी की तरफ जो है 3.3 होते हैं, जबकि मैं यहाँ पर भी आपको चेक करवा देता हूँ। ये देख लें यहाँ पर 1.7, ये अभी आपके सामने मैंने कंप्लीट लगा के रखा हुआ है, ये आप गौर से देख लें। तो इससे हमें क्या साबित होता है कि हमारा फॉल्ट जो है इसी ट्रांसिस्टर पर था, जबकि ये नुकसान इजाफी जो है किसी भाई ने कर दिया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह ये हिदायत आपको पसंद आई होगी, ताकि इस तरह का काम जो अनजान बंदे होते हैं वो मत किया करें, जो किसी दूसरे को भी परेशान कर दें। तो दोस्तों ये देख लें, ये अल्लाह का शुक्र है कि मैंने जूम कैमरे के ज़रिए ये चीज़ चेक की जब, तो ये मसला हमें दिखाई दिया, क्योंकि यहाँ पर जो चिप ऊपर हीट सिंक था वो भी नहीं था, इसलिए मैंने जो है सबसे पहले इस आईसी पर चेक किया, गौर किया कि इसका कोई प्रॉब्लम अगर हो तो हमें दिखाई दे जाएगा, तो ये काम हुआ पड़ा था। दोस्तों अगर ये छोटी सी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह की हर आने वाली वीडियो आपको बार बार नोटिफिकेशन के ज़रिए मिलती रहे।